टोल प्लाजा को लेकर पूरे जम्मू संभाग में हंगामा है। एक तरफ जहां अपोजिशन के लोग सड़कों पर हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ संगठन भी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एकमात्र संगठन ऐसा है जिस संगठन ने जम्मू के हर कॉज को हर हाल में और हर समय में हर सरकार के वक्त लीड किया, आज वो संगठन चुप क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। और मेरे साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर शेख शकील हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आप मेंबर हैं बार एसोसिएशन के, तो आपका मत क्या है कि टोल प्लाजा को लेकर जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को क्या स्टैंड लेना चाहिए इस समय, इन हालात को देखते हुए जो पूरे जम्मू संभाग में बन गए हैं? जुनेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जम्मू के आवाम की राइट्स की तर्जमानी करती है बार एसोसिएशन जम्मू। ठीक। और जब भी जम्मू का कोई भी काज हो, जम्मू का कोई भी मुद्दा हो, बार कभी भी खामोश नहीं रही है। ठीक। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे बहुत ही वोकल सदर जो हैं हमारी बार ने चुने हुए हैं, हर एक इशू के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बोलते हैं, चाहे करप्शन हो, जम्मू का कोई भी मामला हो। मुझे मालूम नहीं आपने उनसे रुजू किया या नहीं किया, मुझे नहीं लगता वो खामोश रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी कंपेन में भी ये चीज़ कही थी कि जब भी कोई जम्मू का मामले का और जो पार्टी जिसके वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, अगर कोई कन्फ्लिक्ट होगा, वो हमेशा जम्मू का साथ देंगे, अवाम का साथ देंगे और बार का साथ देंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप उनसे अप्रोच करेंगे और उनसे ये बात पूछेंगे, वो अपना इंडिविजुअल जो उनकी अपनी राय है और जो बार की राय है, अवाम की जो राय है, वो ज़रूर रखेंगे। लेकिन मैं बतौरे शेख शकील, मैं बीइंग ए मेंबर आल्सो एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ जम्मू, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं अवाम के साथ हूँ। ये एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले जाएं, जब ये टोल प्लाजा यहाँ सरोड में जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी पहली बार 2013-14 में, जम्मू के जो हमारे अवाम हैं वो सभी लोग जानते हैं कि प्रोटेस्ट उस वक्त लीड किसने किया था, वहाँ पे तोड़फोड़ किसने की थी, वहाँ पे कौन सी सियासी जमात के जो लीडर थे वो आगे बढ़ बढ़ कर उस टोल प्लाजा की मुखालफत की थी। मैं आज जम्मू के अवाम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो चेहरे आज कहाँ छुपे हुए हैं, वो चेहरे कहाँ हैं, उन लोगों को सामने आना चाहिए। और अगर तो उनको लगता है कि ये टोल प्लाजा नेशनल इंटरेस्ट में है, विकास के इंटरेस्ट में है, तो लोगों को उनको कन्विंस करना चाहिए। शकील साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की, आपने कहा कि जो बार के इस समय के अध्यक्ष हैं उनके ज्ञान में तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया होगा, वो ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जब जम्मू की बात होती है, बार सबसे पहले बोलती है, बाकी लोग सबसे आखिर में बोलते हैं। ये शायद मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में भी पहला समय है जहाँ बाकी सब बोल गए लेकिन आपके अध्यक्ष और आपका बार चुप है। मैंने आपसे पहले कहा कि जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी एक सियासी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैंने आपको कहा वो एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही अजीम शख्सियत है हमारे जम्मू की, सेल्फ मेड आदमी है, वो चुप रहने वाले नहीं है। मैंने आपको फिर एक चीज़ के, जिस तरह आपने मेरे आगे माइक रखा है, अगर आप ये माइक अभिनव जी के सामने भी रखेंगे, वो अपने मन की बात, अपनी इंडिविजुअल बात से तो बात बनेगी नहीं, बात तो मामला तो ये है कि क्या सिर्फ बातें ही होंगी। हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे चूंकि ये इसमें कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग वहाँ सड़कों के ऊपर हैं, तो हमें नहीं जाना, ये क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी जो बार के अध्यक्ष थे, बड़ी सारी एजिटेशनें हुई, जो अध्यक्ष थे उनका ताल्लुक सीधा सीधा कांग्रेस के साथ था, लेकिन उस समय कभी हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस के चलते उन्हें चुप्पी साधी हो या ये कहा हो कि जी चूंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए मैं कोई एजिटेशन नहीं करूंगा। देखिए, हमारी बार की एक रवायत है, ये जो बार है ये अमेलगमेशन है वेरियस सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स, मैं आपको कहूँगा हर एक शख्स की अपनी इंडिविजुअल जाती राय हो सकती है, लेकिन जब हम बार की बात करते हैं
उस वक्त हम अपनी सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं उनको साइड पर रख देते हैं। ठीक है, हमारे एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सलाथिया जी, वो कहते हैं कि जब हम कोर्ट में दाखिल होते हैं तो आप अपनी सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो गेट से बाहर छोड़ के आते हैं। और तभी मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, जिसकी भी चाहे मेरा प्रधान है, अगर उनकी सियासी वाबस्तगी रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है उनके साथ है, लेकिन मुझे लगता है इस टाइम देखना हमें यह है कि जम्मू के आवाम की आवाज़ क्या है, जम्मू के आवाम चाहते क्या हैं, क्या हम लोग ये टोल प्लाजाज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उनको अपना स्टैंड जो है, जम्मू बार को अपना स्टैंड इसके ऊपर क्लियर करना चाहिए, मैं ये चीज़ कहता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे शेख शकील, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को टोल प्लाजा के मामले में कम से कम अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और जैसे वो पहले जम्मू के कॉजेस को लीड करते आए हैं, इस मामले में भी सामने ज़रूर आना चाहिए।